नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 24 अगस्त 2022 और आज का दिन है बुधवार। तो हम पहले महत्वपूर्ण खबरों का विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार एट ए ग्लांस देख लेते कि हम आज खबर में क्या क्या देखने या सीखने जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है। फिर दूसरा है कि अनिल अंबानी को लेकर क्या लगा कालाधन को लेकर केस। ब्रह्मोस को पाक में दागने पर क्यों बर्खास्त किए हमारे 3 अफसर। अन्न भंडार को लेकर केंद्र सरकार ने साइलेज स्थापित किया, तो साइलेज है क्या इसको देखेंगे हम। शिवसेना के उद्धव और शिंदे कूट का मामला संविधान पीठ हवाले, तो देखेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। फिर हम देखेंगे MTPA यानी मेडिकल टर्मिनेसी प्रेगनेंसी एक्ट, देखेंगे कि वो क्या था और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ। तो हम इस तरह से सभी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित खबरों पर करेंगे विस्तृत चर्चा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले हमारी पहली खबर से। सभी दल चाहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां, सुप्रीम कोर्ट। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुफ्त रेवड़ियों का मुद्दा महत्वपूर्ण बहस की जरूरत है। बहुत सारी पार्टी जैसे मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार चिंता जता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल शीर्ष अदालत में रेवड़ियों के मुद्दे पर सुनवाई का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि सभी दल मुफ्त की रेवड़ियां चाहते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता, ये एक गंभीर मुद्दा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। इसी सोच के साथ कोर्ट ने मामले में विशेषज्ञ की समिति गठित करने की बात कही है, ताकि सभी मुद्दों पर सभी पार्टियों से सभी विशेषज्ञों से एक आम सहमति या राय बनाकर किसी एक निर्णय पर पहुंचा जा सके। अदालत इस मामले में कमेटी गठित करने के पहले ही दे चुकी थी संकेत। कई राजनीतिक दलों ने मुफ्त रेवड़ियों के विरुद्ध लंबित याचिका किया विरोध। केंद्र सरकार ने फिर किया मुफ्त रेवड़ियों का विरोध। तो केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुफ्त रेवड़ियों का विरोध करते हुए कहा कि सामाजिक कल्याण को लेकर किसी को आपत्ति नहीं, परेशानी तब होती है जब कोई दल साड़ी टीवी बांटता है, इससे कहीं ना कहीं वित्तीय संसाधनों पर कहीं ना कहीं एक तरह से अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिनसे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। मुफ्त रेवड़ियों का वर्गीकरण कठिन। पीठ ने वकील गोपाल शंकर नारायण द्वारा मुफ्त रेवड़ियों के वर्गीकरण की दलील देने पर कहा कि यह एक कठिन मुद्दा है। इस मुद्दे से एक तंत्र के जरिए निपटा जाना चाहिए। सिब्बल कपिल सिब्बल जी ने कहा कि पीठ सही कह रही है, ये मुद्दा एक विचार का है, लेकिन सवाल उठता है कि इसे किसे किया जाए। तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट यानी FRBM Act, जिसके मुताबिक राजकोषीय घाटा 3% से कम होना चाहिए। अगर राजकोषीय घाटा 3% से ज्यादा हुआ तो अगले वर्ष का आवंटन कम कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से एक स्वतंत्र यानी एक स्वतंत्र तंत्र के जरिए निपटा जाना चाहिए, न कि राजनीतिक ढंग से। इस मुद्दे को वित्त आयोग को देखना चाहिए। आपकी दलील, चुनावी भाषण, अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील ने कहा कि चुनावी भाषणों को नियंत्रित करने की मांग की गई है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसका हवाला दिया संविधान के अनुच्छेद 19(1) अभिव्यक्ति की आजादी के तहत। कहीं ना कहीं ये अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कहीं ना कहीं चुनावी भाषणों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जन कल्याण और अर्थव्यवस्था दोनों के हितों को देखते हुए कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस पर चर्चा हो सकती है, कमेटी बने फिर देखते हैं कि इस पर क्या विचार आते हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी। अब चलते हैं हम अगली खबर।
स्विस बैंक अकाउंट के लिए अनिल अंबानी को आयकर नोटिस, दो अकाउंट में जमा 814 करोड़ रुपए की अघोषित धनराशि पर 420 करोड़ रुपए की कर चोरी का आरोप, आयकर विभाग की कालाधन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी। अनिल अंबानी के कार्यालय ने इस मामले पर नहीं दी कोई प्रतिक्रिया, तो कहीं ना कहीं आयकर विभाग ने जो रिलायंस अनिल अंबानी समूह के जो चेयरमैन है अनिल अंबानी पर दो स्विस बैंक खातों में जमा 814 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित धनराशि पर 420 करोड़ रुपए की जानबूझकर कर चोरी का आरोप लगाए हैं। इसके लिए विभाग अनिल अंबानी के विरुद्ध कालाधन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाना चाहता है। आयकर विभाग का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर टैक्स अधिकारियों के समक्ष अपने विदेशी बैंक खाते का विवरण उजागर नहीं किया। किसने? अनिल अंबानी जी ने। काला धन अघोषित विदेशी आय एवं परिसंपत्ति कराधान अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल कारावास की सजा का भी प्रावधान है। चलते हैं अगली खबर। गलती से ब्रह्मोस दागने पर वायुसेना के 3 अफसर बर्खास्त, तो एसओपी का पालन नहीं होने के लिए 3 अधिकारियों को जिम्मेदार पाया गया। पाकिस्तान ने मिसाइल गिरने पर एतराज जताते हुए भारत से की थी जांच की मांग। तो कहीं ना कहीं जो भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में गलती से ब्रह्मोस मिसाइल को दागे जाने के मामले में कहीं ना कहीं 3 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जांच में पाया गया कि 3 अधिकारियों ने एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। पाकिस्तान ने दुर्घटनावश मिसाइल लगने पर कड़ा एतराज जताते हुए भारत से जांच करने की मांग की। कहीं ना कहीं जो बीते 9 मार्च को जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का रूटीन मेंटेनेंस प्रक्रिया के दौरान दुर्घटना बस चली गई थी, तो उसी को लेकर पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति जताई थी। तो मामले की जांच जो एयर मार्शल है की अध्यक्षता में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई थी, और उन्होंने कहने के 3 अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये हम ब्रह्मोस के बारे में जान लेते, तो कहीं ना कहीं ये परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल है ब्रह्मोस का विकास करने के भारत और रूस ने मिलकर किया था। 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है इसकी मारक क्षमता। दूसरा है कि जो ब्रह्मोस का नाम है कहीं ना कहीं भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी और जो रूस की मॉस्को नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया, कहीं ना कहीं दोनों की ज्वाइंट वेंचर्स थी इसे बनाने में। अब चलते हैं अगली खबर। सीएम के हस्ताक्षर के बगैर फाइल न भेजी जाए एलजी। जैसा कि हमें पता है कि अभी कहीं ना कहीं जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के ऊपर जो नई आपकारी नीति को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो उपराज्यपाल जी ने जो वीके सक्सेना जी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बिना एलजी यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर में आने वाली फाइलों पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा, मेरे पास स्वीकृत या सुझाव के लिए आने वाली फाइलों पर सीएम के हस्ताक्षर नहीं होते, उस पर या तो कनिष्ठ अफसरों के हस्ताक्षर होते हैं या फिर लिखा होता है कि सीएम साहब ने फाइलें देख ली हैं या अप्रूव कर दी, ऐसी फाइलें मेरे पास न भेजी जाए। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी है एक तरह से जो मान लो ऐसे केस होते तो उससे एक तरह से बचने की प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें की अनुमति जरूरी है, उनको भी साइन करना चाहिए ना इस ऑफिशियल कार्रवाई पर। बिल्किस मामले में 11 दोषियों को रिहाई, पलटने पर होगी सुनवाई। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात सरकार ने जो 11 दोषियों को जो बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म में रिहा कर दिया था, उसी पर कहीं ना कहीं अभी एक याचिका दायर की गई कि इन 11 दोषियों को रिहा क्यों किया जा रहा है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए अब इस पर अपनी सहमति दी थी और इस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो 2002 में तो कहीं ना कहीं जो ये अपराध हुआ था बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म, और 2008 के लगभग इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन 11 दोषियों को कहीं ना कहीं
दोषी करार दिया था। शिवसेना के उद्धव और शिंदे गुट का मामला संविधान पीठ के हवाले। तो हम देखेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले को क्यों सुनवाई पीठ के लिए रखा है, तभी हम इस पे आगे चर्चा करेंगे विस्तृत से। शिवसेना के उद्धव शिंदे गुट का मामला संविधान पीठ के हवाले। तो पीठ 25 अगस्त को सबसे पहले शिवसेना पर दावे की एकनाथ शिंदे की चुनाव आयोग के समक्ष लंबित अर्जी पर सुनवाई के मुद्दे पर विचार करेगी। तो कब करेगी? 25 अगस्त यानी कल। उद्धव और शिंदे गुट की ओर से दाखिल याचिकाओं में संवैधानिक महत्व के मुद्दे शामिल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। शिवसेना में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के कानूनी विवाद अब संवैधानिक पीठ के हवाले हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए किया क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण संवैधानिक महत्व के मुद्दे शामिल है। याचिकाओं में संवैधानिक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल है, जिसमें स्पीकर के अधिकार को लेकर, राज्यपाल के अधिकार को लेकर, अयोग्यता का मुद्दा, लंबित रहने के दौरान सदन की कार्यवाही का मामला आदि शामिल है, जिस पर संविधान पीठ का विचार करना चाहिए और एक लकीर जैसे निर्णय देने चाहिए, ताकि आगे कभी मान लीजिए ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है तो क्या निर्णय लिए जा सकते हैं। इस पर हम कल देखेंगे कि संविधान पीठ है वो अपना क्या निर्णय देती है। अन्न भंडारण के लिए साइलोज बनाने में उपभोक्ता राज्यों को प्राथमिकता। तो देश भर में बनेंगे 250 साइलोज, 1 करोड़ टन से अधिक बढ़ेगी भंडारण क्षमता। तो कहीं ना कहीं खाद्यान्न भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए जो केंद्र सरकार है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस गोदाम स्थापित करने जा रही है। खाद्यान्न भंडारण की सुविधा बहुत ही कम है। खाद्यान्न भंडारण के बुनियादी ढांचे को आधुनिकीकरण की दिशा में केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आधुनिक गोदाम यानी साइलोज स्थापित किए जा रहे हैं, यानी साइलोज यानी एक तरह से मॉडर्नाइज यानी आधुनिक सुविधाओं से युक्त गोदाम है। इस परियोजना को सरकारी व निजी भागीदारी यानी पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पूरा किया जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक तरह से निवेश का मॉडल है जिसमें निजी और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। सरकार की योजना उपभोक्ता राज्यों समेत पर्याप्त भंडारण क्षमता बढ़ाना है। उत्पादक राज्यों यानी जो प्रोड्यूसर स्टेट्स होते हैं में गोदाम बने हुए हैं, लेकिन उपभोक्ता राज्यों में कमी की वजह से कई बार मुश्किलें पेश आती हैं। तो इस तरह से चुनौतियों से निपटने आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले साइलोज बनाने का फैसला किया गया है। इससे खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित साइलो को उपमंडी यार्ड घोषित किया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में मदद मिलेगी, वहीं खाद्यान्न की ढुलाई और रखरखाव की लागत में भी कमी आएगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जैसे हमें पता है कि जो आधुनिक गोदाम नहीं होने की वजह से हमारा कई अनाज भंडार जो पड़ा रहता है, अनाज गेहूं चावल सड़ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से उनमें सुरक्षा भी नहीं रह पाती। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये गोदाम है तो इससे एक तो क्षमता भी बढ़ेगी और दूसरा है कि लंबे समय तक हम अनाज को सुरक्षित रख पाएंगे, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में हम इसका इस्तेमाल कर सके। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे फूड सिक्योरिटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बनती है ये सी चीजें कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है। सेना को आपात स्थिति में देश में बने हथियार खरीदने की मंजूरी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने सेना को आपातकालीन खरीद के जरिए अपनी आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली खरीदने की अनुमति दे दी है। इसके तहत सिर्फ मेक इन इंडिया मार्ग से ही खरीद की जा सकती है। सेना अब इन शक्तियों का उपयोग फास्ट ट्रैक रूट के तहत महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली को खरीदने के लिए करेगी। इसका अर्थ है कि आपूर्ति 3 महीने से 1 वर्ष के भीतर की जाएगी। इसके लिए सशस्त्र बलों को अपने बजटीय आवंटन से धन खर्च करना होगा। उन्हें इन सौदों के लिए
रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो नौसेना को तीन वाहन विमान वाहक कोच की जरूरत। दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए इसे आवश्यक बताया। कहा, आईएसी विक्रांत की इर्द गिर्द केंद्रित युद्धपोत समय आने पर बेजोड़ अवगत प्रदान करेंगे। तो हिंद महासागर क्षेत्र में कहीं ना कहीं चीन की मौजूदगी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना को तीन विमान वाहक फौज की आवश्यकता है। तो विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक फौज है, जिसे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने नौसेना में शामिल किया है। कब? सितंबर में। तो सीबीजी नौसेना का बेड़ा यानी कैरियर बैटल ग्रुप, एक नौसेना का एक बेड़ा है जिसमें एक बड़ा विमान वाहक पोत और उसके चारों तरफ छोटे छोटे युद्ध पोत होते हैं। किसी किसी बेड़े में पनडुब्बी शामिल होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें पिक्चरों में कभी कभी बीच में एक बड़ा युद्ध पोत नजर आता है और उसके अगल बगल में छोटे छोटे युद्ध पोत नजर आते हैं। तो उसे कहने की सीबीजी यानी कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है, जिसमें कभी कभी पनडुब्बियां भी शामिल होती है। इससे कहीं ना कहीं समुद्री सुरक्षा क्षमता को मजबूत करना और भविष्य में विभिन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना को कहीं ना कहीं विमान वाहक पोतों की जरूरत है, ताकि कुछ बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में और पीछे इंडियन ओशन में तैनात किया जा सके, ताकि जो चीन की दादागिरी है, जो उसकी विस्तारवादी सोच है, और कहीं ना कहीं उसे एक तरह से मानसिक संदेश दिया जा सके कि भारत से टक्कर ना ले। सत्तर से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाते हुए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर का सफल परीक्षण किया है। ये सफल डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर तट से नौसेना के जहाज से मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो VLSRSM युद्ध पोत से दागे जाने वाला हथियार यानी वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो अब हम चांदीपुर को देख लेते एक बार। तो ये उड़ीसा का राज्य आ गया हमारा। ये हुगली नदी यानी पश्चिम बंगाल, और ये आ गया इधर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। ये चांदीपुर बीच, ये चांदीपुर जहाँ भी ये चांदीपुर की जहाँ बात कर रहे हो, जहाँ से मिसाइल परीक्षण किया गया है, ये बिल्कुल समुद्र के तट पर बस गया, मतलब पूर्वी तट पर आ गए फिर से। और यहीं पे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जहाँ से कहीं ना कहीं मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। ये मिसाइल परीक्षण करते हुए ये इंडिया, ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ये डीआरडीओ स्टेशन चांदीपुर, ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ये पृथ्वी अग्नि इनका सफल परीक्षण ऐसे किया गया। आकाश ये त्रिशूल, तो इस तरह से यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया गया। और हम इसको चर्चा में हर दिन सुनते रहते हैं कि डीआरडीओ ने आज यहाँ से परीक्षण किया। तो इस तरह से हमारे मन में एक पिक्चर बन जाए। एक एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड्स को भी देख लेते हैं, जरा इसका विलर द्वीप कहते हैं यानी अब्दुल कलाम आइलैंड। ये बिल्कुल समुद्र के अंदर आ गया, यानी एक तरह से आइलैंड से जो पूर्वी तट पर आ गया, और यहीं कहीं ना कहीं एक तरह से जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वो भी यहीं कहीं ना कहीं उसके पूर्व में स्थित है ये द्वीप विलर आइलैंड। तो इस तरह से हमसे, और इधर ये चिल्का झील आ गया जिसको लेगुन झील भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से समुद्र का पानी चिल्का झील के अंदर आ जाता है, एक तरह से इसका पानी खारा भी है, और ये महानदियों पर निकल रही है।
उड़ीसा में से। अभी उड़ीसा में बाढ़ के आसार बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हीराकुंड बांध के जो गेट खोल दिए गए, जिससे कहीं ना कहीं जो आसपास के क्षेत्र है वहां पानी भर गया, कहीं ना कहीं संकेत दिखाया जा रहा है कि उड़ीसा में बाढ़, उड़ीसा में बाढ़। ये देवरीगढ़ सेंचुरी इसी के पास में आ गई, ये हीराकुंड बांध। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। अब चलते हैं अगली खबर। गर्भपात में विवाहित व अविवाहित महिलाओं का अंतर खत्म करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह चिकित्सकीय गर्भपात यानी एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेंसी प्रेगनेंसी एक्ट और इससे संबंधित नियमों को इस तरह व्याख्या करेगा कि जिससे विवाहित अविवाहित महिलाओं के बीच के भेदभाव को दूर किया जा सके, ताकि 24 सप्ताह तक की गर्भवती को गर्भपात की अनुमति दी जा सके। तो अभी हम देखेंगे कि जो ये मेडिकल टर्मिनेंसी एक्ट है वो क्या था, कब लाया गया था और इसमें अभी 2021 में क्या संशोधन किए गए। मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 भारत सरकार का एक अधिनियम है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की अनुमति देता है। यह अधिनियम सन 1971 में बनाया गया था तथा वर्ष 2002 में कानून में आवश्यक संशोधन किए गए। इस कानून के अंतर्गत महिलाएं कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकारी अस्पताल में या सरकार की ओर से अधिकृत किसी भी चिकित्सा केंद्र में अधिकृत व प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गर्भपात करा सकती हैं। गर्भ समापन के लिए घर के किसी सदस्य की लिखित इजाजत की जरूरत नहीं होती, लेकिन 18 वर्ष से कम आयु की महिलाएं तथा जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो लेकिन जो पागल हो, को माता पिता या पति यदि कोई नाबालिग लड़की की शादी हो गई को लिखित इजाजत की जरूरत होती है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं का केवल स्वयं की लिखित स्वीकृति ही देना जरूरी है। तो देख लेते हैं कि गर्भ समापन की परिस्थितियां क्या है। यदि चिकित्सा व्यवसाय यानी चिकित्सा व्यवसायियों ने सद्भावना पूर्वक यह राय कायम की हो कि गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा अथवा उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति की जोखिम होगी, अथवा यदि इस बात के पर्याप्त जोखिम है यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह एक गंभीर रूप से विकलांग हो सकता है, तो इस परिस्थितियों में जो गर्भपात कराने की अनुमति दी जाएगी। तो हम देख लेते हैं कि जो एमटीपी एक्ट 1971 एंड द एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021 2020-21 में क्या बदलाव किए और क्या संशोधन किए गए। तो जो एमटीपी एक्ट 1971 जो इसमें संकेत यानी कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर पर कहीं ना कहीं इसमें केवल जो विवाहित महिलाएं थी उनको ही शामिल किया गया था, लेकिन जो अभी 2021 में जो एमटी एक्ट में जो संशोधन किया गया है उसमें कहीं ना कहीं विवाहित और अविवाहित महिलाओं दोनों को कवर किया गया है। जो इसमें गेस्टेशनल एज लिमिट होती थी कहीं ना कहीं वो 20 सप्ताह तक रखी गई थी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो 21 वाला संशोधन किया गया है उसमें कहीं ना कहीं जो रेप सर्वाइवर होते हैं यानी जो कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न के जो शिकार होते हैं उनको 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति है, लेकिन उसके बाद 24 सप्ताह के बाद कहीं ना कहीं बहुत ही सीरियस कंडीशन में अगर लगता है तो उन्हें गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। दूसरा है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन, तो यहाँ दे रखा है कि जो चिकित्सकीय जो रहते हैं मतलब व्यवसायी उनसे अनुमति लेने के लिए इन्होंने क्या मतलब रिक्वायर्ड बता रखी। तो उन्होंने बोला कि 12 वीक तक आप किसी एक यानी आरएमपी यानी
रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तक एक एक आरएमपी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको 12 वीक से 20 वीक के बीच में अगर आपको ये कराना है अबॉर्शन, तो उसके बीच में आपको 2 आरएमपी यानी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये कब था? 1971 में। लेकिन अभी जो एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया गया है, इसके अंदर 20 सप्ताह तक आप केवल 1 आरएमपी से इजाजत ले सकते हैं, और अगर 20 से 24 के बीच आपको 2 आरएमपी यानी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन 24 सप्ताह के बाद भी यदि ऐसी सिचुएशन बनती है तो मेडिकल बोर्ड इसको अप्रूवल करेगा और वो देख रेख करेगा कि क्या इन्हें जो अबॉर्शन की अनुमति देनी चाहिए या नहीं। और दूसरा है कि ब्रीच ऑफ द वुमेन कॉन्फिडेंशियली, यानी जो महिला की निजता का अगर उल्लंघन होता है तो कहीं ने जो 1971 वाला कानून था उसमें अंदर 1,000 रुपये का, मतलब 1,000 तक का फाइन था। लेकिन जब 21वां संशोधन किया गया, मतलब 2021 में, उसमें फाइन के साथ कहीं ना कहीं जेल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो इस तरह से हाल में ये संशोधन किया गया है इसमें, क्योंकि ये चर्चा में बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं हमारे इससे प्रश्न बनने के बहुत ही आसार रहते हैं। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई पलटने की होगी सुनवाई। ये सभी हम ऊपर चर्चा कर ही रहे थे इस पर कि चीफ जस्टिस रमणा ने फिर से विचार करने पर दी सहमति। तो सिब्बल बोले, माफी देने को चुनौती दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं। बिल्किस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में 11 दोषियों को रिहा करने की गुजरात सरकार के फैसले पर अब पुनर्विचार होगा। गुजरात दंगों में हुए घृणित अपराध पर माफी के फैसले को पलटने संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। मुस्लिम गर्भवती महिला से कहीं के जो सामूहिक दुष्कर्म और उसकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को जो माफी दी जा रही है उसी को लेकर ये याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। पांडुरंग खान खोजे की मूर्ति का अनावरण करेंगे ओम बिरला। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 63 से राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहीं ना कहीं कनाडा गए हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की मूर्ति का अनावरण करेंगे, यानी को मेक्सिको जाकर यह करेंगे। जिनकी पहचान मेक्सिको में हरित क्रांति के जनक की है। किसकी? पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की। हरित क्रांति के जनक है खान खोजे, जिनका पिक्चर दिखाया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका। तो अमेरिकी प्रवास के दौरान खान खोजे की मुलाकात भारतीय बुद्धिजीवी लाला हरदयाल से हुई थी, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार के लिए समाचार पत्र निकालते थे जिसमें देशभक्ति गीत लेख लिखा हुआ करते थे। यहीं से कहीं ना कहीं जो गदर पार्टी का उदय है वो हुआ था, जिसके संस्थापकों में कहीं ना कहीं खान खोजी भी शामिल थे। तो हम गदर पार्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो वही दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे इतिहास से भी रिलेटेड है। और दूसरा है मेक्सिको और भारतीय हरित क्रांति में खान खोजे। भारत ने हरित क्रांति के जनक अमेरिकी कृषि विज्ञानी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग खान खोजे द्वारा तैयार मेक्सिकन गेहूं की किस्म पंजाब लेकर आए थे। तो इस तरह से यह समाचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक तरह से हरित क्रांति की चर्चा कर दी गई है, गदर पार्टी की चर्चा कर दी गई है। और दूसरा है कि इनका, जैसे हम हरित क्रांति पढ़ते तो कहीं ना कहीं स्वामीनाथन जी का नाम सुनते हैं, नॉर्मन बोरलॉग जी का नाम सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पांडुरंग जी का नाम बहुत ही कम ने सुना होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इस तरह से महत्वपूर्ण होते हैं ताकि इन्हें हम याद कर सकें। जो इनका जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ था। एंडोसल्फान के पीड़ितों को मिला न्याय, तो एक बार इसे आप जरूर देखिएगा। अभियुक्ति में भारत ने
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकवाद पर भारत ने चीन व पाक को घेरा, दोहरे मापदंड का पर कहा यथास्थिति बदलने वाली कार्रवाई, सुरक्षा सिद्धांत का उल्लंघन, सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता व अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सम्मान करना चाहिए। तो एक बार हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, इसका मैंडेट है वो क्या, यानी मैंडेट यानी शासनादेश। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की। यह सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी देता है, जो शांति के लिए खतरा होने पर बैठक कर सकती है। चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 4 उद्देश्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए, दूसरा राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने और मानवाधिकारों के सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करना, और चौथा राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनाना। तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णय को स्वीकार करने और उन्हें लागू करने के लिए सहमत हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों को सिफारिश करते हैं। केवल सुरक्षा परिषद के पास निर्णय लेने की शक्ति है कि सदस्य राज्यों को चार्टर के तहत लागू करने के लिए बाध्य किया जा सके। शांति और सुरक्षा बनाए रखना, जब शांति के लिए खतरे से संबंधित शिकायतें उसके सामने लाई जाती हैं, तो परिषद की पहली कार्रवाई आमतौर पर यह सिफारिश करने के लिए होती है कि पार्टियां शांतिपूर्ण तरीके से समझौते तक पहुंचने का प्रयास करें। परिषद कर सकती है इस तरह के समझौते के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करना, कुछ मामलों में जांच और मध्यस्थता करना, एक मिशन भेजे, विशेष दूत नियुक्त करें, या विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्राप्त करने के लिए महासचिव से अपने अच्छे कार्यालयों का उपयोग करने का अनुरोध करें। जब कोई विवाद शत्रुता की ओर ले जाता है तो परिषद को प्राथमिक चिंता उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करना होता है। उस स्थिति में परिषद कर सकती है कि संघर्ष विराम निर्देश जारी करना, जो संघर्ष को बढ़ाने से रोकने में मदद कर सकता है। दूसरा है कि तनाव को कम करने, विरोधी ताकतों को अलग 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 करने और एक शांति स्थापित करने में मदद करने के लिए सैन्य पर्यवेक्षकों या एक शांति सेना को भेजे, जिसमें शांतिपूर्ण समाधान की मांग की जा सके। इसके अलावा परिषद प्रवर्तन उपायों का विकल्प चुन सकती है, जिसमें शामिल है कि आर्थिक प्रतिबंध लगाना, हथियार प्रतिबंध, वित्तीय दंड और प्रतिबंध यानी यात्रा प्रतिबंध, दूसरा है राजनयिक संबंधों का विच्छेद, नाकाबंदी या सामूहिक सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। एक प्रमुख चिंता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निंदा की गई नीतियों या प्रथाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना है, जबकि जनसंख्या, अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों पर किए गए उपायों के प्रभाव को कम करना है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा संगठन सुरक्षा परिषद ने अपना पहला सत्र 17 जनवरी 1946 को लंदन में आयोजित किया था। अपनी पहली बैठक में सुरक्षा परिषद ने न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी निवास किया है। तो एक बार हम जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो इसकी एक बार हम इसके कार्य और शक्तियों को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियाँ, तो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, किसी भी विवाद या स्थिति की जांच करने के लिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय घर्षण हो सकता है, दूसरा है ऐसे विवाद या विवादों या निपटान की शर्त को समायोजित करने के तरीकों को सिफारिश, अगला कार्य है हथियारों को विनियमित करने के लिए एक प्रणाली की स्थापना के लिए योजना तैयार करना,
शांति या आक्रामकता के कार्य के लिए एक खतरे के अस्तित्व का निर्धारण करने के लिए और यह सिफारिश करने के लिए कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। अगला, सदस्य से आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य उपायों को लागू करने के लिए आह्वान करने के लिए, जिसमें आक्रमण को रोकने या रोकने के लिए बल का उपयोग शामिल नहीं है। एक हमलावर के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए, नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने के लिए, रणनीतिक क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के ट्रस्टीशिप कार्यों का प्रयोग करना, महासभा को महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए और विधानसभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव करने के लिए भी कहने के लिए सिफारिश करता है और UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहने के उसमें वोटिंग कराकर सदस्य चुनता है। तो ये जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, निश्चय ऑर्गन है, यानी एक तो जनरल असेंबली हो गया, एक सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, या जहाँ कहीं ना कहीं जो हमारे राजनयिक ने चीन और पाकिस्तान पर एक तरह से उनको घेरा है, सेक्रेटरीज, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये इसके ऑर्गन हो गए एक तरह। कहीं ना कहीं जनरल असेंबली है उसमें कहीं ना कहीं 193 मेंबर्स हैं, एक कंट्री के लिए केवल एक वोट का ही प्रावधान है। कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी जनरल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो जिसकी हमने अभी तो ऑर्गन की बात कर ली थी, एक सिक्योरिटी काउंसिल हो गई जिसमें कहीं ना कहीं 5 परमानेंट मेंबर है विथ द पावर ऑफ वीटो, 10 नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कितने 2 साल के लिए, कुल मिलाकर 15 जो सदस्य होते हैं किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के। दूसरा है UN ऑर्गन यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNHRC, UNHCR, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, और एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं यानी FAO, UNESCO, WHO, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इस तरह से हम चर्चा में सुनते रहते हैं इनके बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने जो जनरल असेंबली के वो कौन से अंग हैं। तो मेन तो उसके 6 अंग ही है, बाकी उससे लगते हुए कहीं ना कहीं जो स्पेशलाइज एजेंसी है या कुछ विशेष काम करने के लिए उनको काम सौंपा गया, जैसे पीस कीपिंग फोर्सेस का नाम हम सुनते रहते हैं, चर्चा में बनी रहती है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। तो जो कहीं ना कहीं हमारी UN में जो भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने देशों जो कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान पर एक तरह से आतंकवाद को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से घेरा कि दोहरे मापदंड अपना रहे हैं ये दोनों, कहीं ना कहीं रुचिरा कम्बोज ने कहा कि देशों को एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता व अंतर्राष्ट्रीय समझौता का सम्मान करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की संवाद व सहयोग के जरिए सुरक्षा साझा सुरक्षा को बढ़ावा देता है, इस विषय पर बैठक में उन्होंने ये बात कही। तो कहने के अभी हाल ही में चीन ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के रऊब अजहर के प्रतिबंधित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था उस पर रोक लगा दी थी। तो इसी को देखते हुए हमारी जो राजस्थायी प्रतिनिधि है उन्होंने ये बात कही है। सूरत तट पर पहुंचा ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर। तो 1608 में आज ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला जहाज हेक्टर कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत के तट पर पहुंचा था। उस समय मुगल शासक जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, इसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन माना जाता है। जो कहने की हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से भी संबंधित रहती हैं कि कब अंग्रेज आए थे भारत में, कहाँ आए थे, उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो इससे एक तरह से प्रीलिम्स जैसे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ से एक बार हम इसका मैप भी देखेंगे कि इंग्लैंड से किस रूट के थ्रू आया होगा,
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लेटो से ग्रह का दर्जा छीना था। जैसा कि हमें पता है कि आज जो वर्तमान में प्लेटो को एक तरह से ग्रह का दर्जा नहीं देते, तो कहीं के जो 2006 में आज जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ग्रहों की परिभाषा बदल कर कहीं के जो प्लूटो से ग्रह का खिताब लेकर उससे एक बोनी ग्रह यानी ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दिया था। 1930 में एस्ट्रोनॉमिकल यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह के रूप में मान्यता दी थी। तो कहने के इससे अब ग्रह की जो उपाधि दी थी इसको छोटे ग्रह की वो छीन ली गई, क्योंकि ये एक तरह से जो ग्रह के नियम कायदे कानून होते उनको फॉलो नहीं कर रहा था। अब अगली खबर, देश की महान महिला क्रांतिकारी में शामिल है बीना दास। तो अब ये हमारे लिए किस महत्वपूर्ण होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो मेंस में प्रश्न बनते हैं कि जो महिलाओं का योगदान क्या रहा है स्वतंत्रता संग्राम में, और कौन कौन सी महिला ने मतलब स्वतंत्रता के संघर्ष में पुरुषों के बराबर लड़कर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। तो कहीं ना कहीं उनमें हम इस तरह से इनका उदाहरण भी दे सकते हैं कि जो क्रांतिकारी दीना दास थी उनका जन्म 1911 में बंगाल में हुआ था, जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध रैलियों में हिस्सा लेने लगी थी, महिला छात्र संघ से जुड़कर कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुई। 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय की दीक्षा समारोह में तत्कालीन जो गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर 5 गोलियां जलाई थी, उन्हें कहीं ना कहीं इसके लिए 9 वर्ष जेल में जाना पड़ा। बाहर आकर फिर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और 1946 से 1951 तक वो कहीं ना कहीं बंगाल विधानसभा की सदस्य भी रही थी। तो इस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है खबर। तो मैं एक बार देख लेते सूरत, ये सूरत है गुजरात में, यानी सूरत गुजरात मतलब गुजरात में डिस्ट्रिक्ट से। तो हम देखते हैं कि जो अंग्रेज आए होंगे वो किस रूट से आएंगे, तो कहीं ना कहीं 1608 में आ रहे, और जो स्वेज नैनाल है वो तो कहीं ना कहीं उसके बाद बनी थी, 1858-57 के करीब बनी थी, तो इस रूट से तो आ नहीं सकते थे वो। तो कहीं ना कहीं जो वास्को डिगामा था, तो वास्को डिगामा आया था 1498 के आसपास, और 1492 में जो कोलंबस था उसने तो अमेरिका की खोज कर दी, यानी आना उसको इधर था, मतलब तो जो स्पेन का था आना तो उसको भारत था, लेकिन वो पहुंच किधर गया था, अमेरिका की साइड। फिर उसके बाद आता है 1498 में जो पुर्तगाल यानी जो वास्को डिगामा, तो कहीं ना कहीं वो उसने दिमाग लगाया कि कहीं ना कहीं तट के थ्रू, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है तो मैं कहीं ना कहीं घूम कर कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा इसे। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि जो अफ्रीका का पश्चिमी घाट के थ्रू यानी पश्चिमी दिशा के थ्रू मतलब इसके थ्रू आते आते कहीं ना कहीं वो नीचे जो केप ऑगुलस यानी केप ऑफ गुड होप से होते हुए कहीं ना कहीं मेडागास्कर, यहाँ से उसे कुछ गुजरात का एक व्यापारी मिला, तो यहाँ से होते हुए वो कहीं ना कहीं वो तो कालीकट यानी केरल की तरफ भी पहुँचा था। तो कहीं ना कहीं वो जो अंग्रेज थे तो वो कैसे आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड किंगडम ये नॉर्थ सी ये कहीं ना कहीं इंग्लिश चैनल ये लंदन हो गया, यहाँ से कहीं ना कहीं वो यहाँ से कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशन से होते हुए फिर ये साउथ अटलांटिक ओशन से होते या तो इंडियन ओशन से आया होगा, या फिर कहने के जो मेडागास्कर यहाँ से होते हुए इधर सूरत की तरफ पहुंचा हुआ यानी अरब सागर से होते हुए। तो इस तरह से यही रूट बनता है, और यहाँ से क्यों नहीं आया होगा, तो कहने के जो तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार हो गया तो कहीं ना कहीं उन्होंने रूट बंद कर दिया था, तो उनको विकल्प तो ढूंढना था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये समुद्र के थ्रू विकल्प ढूंढा। ये यूके की बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम या लंदन या मैनचेस्टर ये ब्रिस्टल चैनल ये इंग्लिश चैनल हो गया किस किस के बीच में आ गया, तो कहीं ना कहीं फ्रांस और मतलब यूके को अलग कर रहा है एक तरह से, इन दो चीज़ों को जोड़ रहा है, नॉर्थ सी को जोड़ रहा है, अटलांटिक ओशन को जोड़ रहा है, और ये एओबीस के किसके बीच में आ गई, फ्रांस और स्पेन के बीच में आ गई, यहाँ पे जिब्राल्टर आ गई है, और ये सी ओ क्रेते ये आयोनियन शे ये टेरेनियन शे ये बेलेरियक शे ये अल्बोरियन शे ये एड्रेटियक शे, तो ये कहीं कहीं चर्चा में बने रहती है इनसे प्रश्न प्रीलिम्स में, ये आयरलैंड आ गया
यूनाइटेड किंगडम, या ग्लासगो, या एडिनबर्ग, कोई नॉर्थ सी हो गया, या ग्लासगो हो गया, या कहीं ना कहीं जो COP26 की बैठक भी हुई थी, सी ऑफ हरबी हेब्रिडीज, सी ऑफ द हरबिडीज, ये डब्लिन आयरलैंड की राजधानी, ये शेफर्ड, लीड्स, बर्मिंगम, यहाँ भी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ये प्लेमाउथ, और लंदन के आसपास से टेम्स नदी होकर गुजर रही है, ये टेम्स नदी कहाँ जाके गिर रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इंग्लिश चैनल में जाके गिर रही है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। तो यही समाप्त करते हैं, आप अपनी सुझाव जरूर दीजिए ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। धन्यवाद।